लो भाई, जिसका मुझे शक था वही हुआ सच, जीत गई अपना इंडिया। अब देखिए भैया, इंडिया का ये सेकेंड T20 मैच है। किसके साथ मैं भाई साहब? श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये मैच होने वाला है। इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका, वही स्टेडियम पल्ले केले क्रिकेट स्टेडियम पल्ले केले में ही मैच होने वाला। और टाइम की जब रही बात तो 28 जुलाई 2024 7 बजे PM ये मैच खेला जाएगा। चलिए फटाफट से एक लाइक करके टना टना भी हो जाइए तैयार है। कहाँ बम बमा बम। चले ये देखिए, देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलता है देखने को, जिससे कल की टीम एकदम बेहतरीन बन पाई थी। कैसे बन पाई थी मैंने बताया था ना, ये ऐसे ये वैसे, ये फ्लॉप, ये चलेगा ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, क्यों कैसे बताया था? अरे मनगढ़ंत कहानी थोड़े ना है। देखाएंगे मैच का डिटेल्स, ठीक है, देखिएगा ध्यान ध्यान से सब चीज़। इसको थोड़ा सा कम भी देखेंगे चलेगा, बाकी पिच एनालिसिस एंड रिपोर्ट अच्छा से देखिएगा। उसके बाद स्पेशल बॉलर्स एनालिसिस बहुत अच्छा से देखिएगा। देखिए जितने लोग को बोलते, चाहे पथराना मथराना जौनो हो, जितना लोग को बोले तो चलेगा, सब बम बम मारा दबा एकदम से। हाँ, उसके बाद टीम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, ये तो कम थोड़ा सा चलेगा, क्या कि दोनों टीम के बारे में जानबे करता है सब कोई, है कि नहीं? कौन सूर्या है पता नहीं आप लोग को, सब पता है, ठीक है। उसके बाद ऑल प्लेयर स्टेटस इन डिटेल्स, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है प्लेयर के बारे में डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद प्लेयर बैटल, मतलब कि कौन किसको आउट कर पाता है, वो चीज़ जानना जरूरी है। उसी के हिसाब से तो लिया गया था पिछला बार। हाँ, उसके बाद इसके GL प्लेयर्स, GL SL टीम, ये भी साथ में आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। कितना चीज़ हो गया, ये 7 चीज़ हो गया भाई, बिल्कुल फ्री में। काइली एक सिर्फ आप एक तो लाइक किए हैं, है ना, और अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर देंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो ये 7 चीज़ आपको हमेशा जिंदगी भर मिलता रहेगा बिल्कुल फ्री में। प्लस में जो टेलीग्राम फेक वाले ज्वाइन किए हैं भाई, इसका जिम्मेदार आप है, हम नहीं है, है ना, उससे हट उठ जाइए। मेरा नाम, मेरा फोटो इस्तेमाल करता है, हम पैसा लेता है प्राइम टीम के नाम पर, वो बिल्कुल गलत है। हम देखे फ्री टीम प्रोवाइड करें, जो खेलते हैं वो हम देते हैं। हमारी टीम में कभी विन कभी लॉस होती है, क्योंकि ये एक आदमी और इंसान का बनाया हुआ टीम है, कंप्यूटर का टीम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा होता है कम बेसी, मगर हाँ, जो उसको ज्वाइन करना है इस मोड पर क्लिक करिए, और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक, इस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ना, जिस पे इसे यहाँ क्लिक करेंगे फिर यहाँ आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आकर के ये ज्वाइन अनज्वाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एक लाइक इमोजी दे दे, आप ज्वाइन हो जाए। झूठों का मतलब वो जो होता है नेटवर्क, सपना नहीं दिखाएंगे, रोज विन कराएंगे आ जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जो लड़ता है ना, वो एक बार हारता है, कभी जीतेगा फिर हारेगा। अब जो लड़बे नहीं किया, ऊका जाने के बेटा हार का होता है, कैसे हारा जाता है कि नहीं? ये चीज़ें यहाँ पर जो होता है रियलिस्टिक होता है भाई, जो मैं खेलता हूँ देता हूँ। ज्वाइन करने का तरीका कैसे है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इतना है कि बिल्कुल फ्री होता है ये सब, कोई इसमें पैसा आपको लगता नहीं, ठीक है, और ना पैसा किसी को देने का आपको जरूरत है, देव मत कीजिएगा जो भी मांगे मेरे नाम से। अब देखिए पिच रिपोर्ट समझिएगा, 160 से 180, 263 पे 3 है और ये 88 पे 10 है। ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। लास्ट मैच SL इंडिया 27 जुलाई 2024 को, जो कि कल है, कहाँ कहाँ होगा उसमें सब कुछ आगे बात करेंगे। सुटेबल फॉर, यहाँ पर गुड बैटिंग सर्फेस है, यहाँ पर पेस एंड स्पिन बूथ गेट हेल्प दोनों को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। 5 मैच की अगर बात करें, 26 स्पिन और 38 पेस को मिला विकेट। यहाँ पर पेस में भी देखिए, 4 क्वालिटी के पेस होते हैं और 4 क्वालिटी क्या है स्पिन होते हैं। अब इसको मिला, किसको मिला, किसको मिला, किसको मिला, उसके बारे में आगे बात करेंगे। सभी को विकेट नहीं मिलता, किसी भी पिच पर आप खिला लीजिए, चाहे तो राइट आर्म मीडियम को मिल जाएगा, चाहे राइट आर्म मीडियम फास्ट को मिलेगा, चाहे लेफ्ट आर्म मीडियम को मिले, सबको एक ही मतलब बराबर नहीं मिलता, ठीक है ना, आगे बात करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग कुछ रन का रेशियो, मैंने एक बार सवाल भी पूछा था आपसे और लोग जवाब भी दिए थे, हम भी बताए थे कि जब देखे इंडिया बैटिंग वोटिंग करेगी पहले तो रन ज़्यादा बनेगा, और श्रीलंकन अगर बैटिंग करे तो रन थोड़ा सा कम बन सकता है। वही चीज़ कल को देखने को मिला अपने को, 213 पे 7 है, 170 पे 10 है, हाँ क्या बात है ना, 176 पे 5 है, 177 पे 6, ओह क्या बात है, 155 पे 6, 158 पे 3, ओह क्या बात है, 196 पे 4 और 171 पे 10, अब नहीं बोलेंगे क्या बात है। अब बन, अब यहाँ से देखिए मिनटी 20 स्टेटिक्स, टोटल मैच यहाँ पर 23 हुआ है, जिसमें से कि फर्स्ट बैटिंग वाला 13 बार मैच को जीत के ले गया और 8 बार सेकेंड बैटिंग वाला जीत के ले गया, मतलब चेस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न पर अगर नजर डाले तो स्कोर देखिए, बेलो स्कोर 150 से नीचे 5 है, बेलो का मतलब कम होता है, ठीक है ना, कम मतलब 150 से 5 बार बना हुआ है, 150 से 169 5 बार है, फिर 170 से 189 भी 6 बार और 190 से ऊपर भी 7 बार रन बना हुआ था आज, फिर बताइए ना, चलिए ना कमेंट बॉक्स खोली फटाफट से, धड़ाधड़ एकदम एक्टिव रहा कि टनाटन एकदम, है ना, क्या कमेंट बॉक्स लिख करके लिखना अपना इंडिया, जो भी आपको मन करे, हम ये नहीं बोलेंगे, जिसको आप सपोर्ट करें इंडिया और श्रीलंका में से आप उसको जा सकते हैं, या अपना टीम मतलब देश का नाम यहाँ पर लिख करके, बाकी 170 200 500 जो आपको लगता है दर्शा दीजिए, इतिहास का पन्ना है इसमें, जो लिखेंगे ना, अगर सच हुआ कल को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बिना
का प्रोडक्शन सही नहीं गया आज का, ठीक है? तो आपका एक प्रोडक्शन होना चाहिए, देश का नाम, रन, दो चीज़ मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ लिखवाने की, या अपना मतलब कह सकते हैं, क्या बोलते उसको, आपसे आपसे हमको उम्मीद है, हाँ बस, है ना। रिसेंट मैच ऑन दिस वेन्यू, इसका मतलब ये होता है कि अभी जो मैच हुआ ना, रिसेंट मैच, अब अभी के मुकाबले ये भी हो सकता है, देखिए 24 का ये, 20 का भी अभी का, ये 22 का भी अभी का, और ये 20 का, मतलब जो मैच हुए हैं उसी का नाम आएगा इसमें। जैसे इंडिया है ना, कल को खेला था ना 213 पे 7, 20 ओवर में एसएल 170 बना पाई थी, 10 विकेट गवा दी, 19.2 ओवर में हमारी टीम इंडिया ऑल आउट कर दी इन लोगों को। बाकी फर्स्ट इनिंग में देखिए, पेसर्स को 6 विकेट मिला, स्पिन को 1 विकेट मिला, पेस को 3 विकेट, स्पिन को 6 विकेट सेकेंड इनिंग मिला, ठीक है? ये फर्स्ट इनिंग और ये सेकेंड इनिंग, बाकी ये सब लोग कभी देख सकते हैं, वही चीज़ है, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, रन और ये टीम, ठीक है? अब श्रीलंकन का अगर देखा जाए तो देखिए एसएल 177, एसएल 171, है ना, एसएल 155, एसएल 170, क्या है यार, मतलब 170, 71, 72 यही लोग का मतलब सेकंड इनिंग में स्कोर बन गया है क्या ये लोग का, ये देख रहे हैं 80 तो छू ही नहीं पा रहा है सब है ना। तो आज फिर से टॉस मैटर करेगा, क्या करेगा, मैटर, उसी से डिसाइड होगा आज का। मगर हाँ, इतना है कि कमजोरी नहीं समझने की, 70 तक पहुंचा दिया था सब, है ना, मगर बात हो गई सेकेंड इनिंग के लिए थोड़ा सा हो सकता है। बाकी चलिए आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट हो गया इसका, हैं, चलिए आगे, ये ले सक, वाह क्या बात है, 29 बार कौन कौन खेला है, श्रीलंका और इंडिया खेला, 20 बार अपना इंडिया जीता और 9 बार श्रीलंका को जीती गया है। तो इस बार बताइएगा, देखता है कमेंट बॉक्स में के का सवाल वहाँ सही होता है। ये देखा लास्ट 5 मैच में, ये है हमारा स्पेशल डाटा जो कहीं मिलने वाला नहीं है खोल लीजिएगा पहले, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा आराम से आकर के, तो मतलब पानी नहीं पी के घर से आना, ठीक है? देखा राइट आर्म फास्ट को 13 विकेट, क्या कमाल का है ना, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 7 विकेट, राइट आर्म मीडियम को 6 विकेट, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को 12 विकेट, ठीक है? ये पेस का कॉलम खत्म, अब इसके आगे कोई पेस वेस नहीं होता। स्पिन में आइए, स्पिन में लेग ब्रेक को 8 विकेट है, चाइना मैन को यहाँ पर मतलब लेफ्ट आर्म चाइना मैन बोलते हैं पूरा, 2 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 9 विकेट है, या ऑफ ब्रेक 7 विकेट। तो ये पिच में ऐसा देखा कि थोड़ा सा पेसर को अगर सपोर्ट मिल रहा है तो इन लोग को, उसके बाद से सबको एक नॉर्मल सपोर्ट है, ठीक है? जो अच्छा करेगा वो आगे जाएगा, जैसे दुनिया में कैसे है, जो मेहनत करेगा बेटा वो कमाएगा आगे जाएगा, और जो पढ़ा हुआ मिल जाएगा हमको, ऊपर वाला जब देगा, किस्मत है, किस्मत ले बट्टा चुपचाप, हम वीडियो नहीं बनाएंगे, किस्मत से बन जाएगा वीडियो, है किस्मत सपोर्ट हो जाएगा, सो जाते हैं, देखा गया 10 बजे तले सोते हैं, किस्मत से हो जाएगा, मगर किस्मत धोखा दे दिया, 10 कितना बज गया, 10:01 हो गया, नहीं बना अभी तक, जब बना रहा तभी बन रहा है इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, जिंदगी का सच्चाई है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए 10% एक्स्ट्रा, पहली बात, दूसरी बात 0 रुपये में 5,000 का लीग फ्री, अरे आज से चिल्ला रहे हैं भाई, एक आध महीना हमको हो गया बोलते बोलते बतिए, है कि नहीं? कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग टुक टुक देख रहे हैं, हमको किस्मत में होगा तो हमको मिल जाएगा, अरे कहाँ है किस्मत में है भैया, कर लो डाउनलोड, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाओ डाउनलोड करके, फ्री है डाउनलोड करना, करके वेरीफाई करके आइए, 0 में लगा दीजिए, हो सकता है 5,000 आज का हो जाए, जैसे रोज 10-15,000 जीतने वाले जीत रहे हैं ना, कई तरह का मैच फ्री मिलता है, रोजे में मैच फ्री मिल रहा है, इंडिया का जब से ये मैच है जितना सब में फ्री मिलेगा, लीजिए कमाई है, ऑप्शन है, अब हाथे पैर नहीं चलेगा तो कैसे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना, हरकत में कहा है बरकत है बाबू, ठीक है, हरकत करना पड़ता है आदमी को, 10% एक्स्ट्रा ही मिलेगा, है ना, क्या डालना है फ्लैट 10 डालना है आपको कोड, और इसमें क्या है 50 रुपये मिनिमम डिपॉजिट कर लीजिए, बस जैसे ही डिपॉजिट किए ये आप एलिजिबल हो जाए, मतलब 18 साल हो गया भैया, लड़का कमाने लायक हो गया है कि नहीं, ये मतलब 50 रुपये डाले तो हम 5,000 का लीग फ्री में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, और जब तक है तब तक है, ये नहीं कि आज है कल नहीं मिलेगा आपको, नहीं बाबू, जब तक ये चलेगा सबको मिलता रहेगा, ठीक है? अब आज कम से कम 1 महीना से चल रहा है फ्री में, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिए, हम कहा बोले लड़के हार जाना अच्छा बात है, मगर सलाह डर के मारे लड़ना ही नहीं है, वो पुछपुछिया वाला काम है ना ये देखें यहाँ पर श्रीलंका प्लेइंग 11, लोग पता है कि हम इंडिया से हार जाएंगे मगर लड़ रहा है, इसको बोलते हैं दम, है कि नहीं, पता है लोग को, चलिए आगे चलते हैं, दिखाए चले, हाँ ये देखिए पथुम निशंका और उसके बाद कुशल मेंडिस, देखा जाए तो इन दोनों का 32-28 और ये 79, मतलब कह सकते हैं 79
पद्मनी संख्या 0, 47, 3 और 60। उसके बाद एका देखा जाए कुशल मेंडिस का तो एवरेज टी ट्वेंटी का 25 है, 39 हेड टू हेड में है और 28 यहाँ पर वेन्यू पर है, और बाकी 45, 46, 10, 19, 86, 84% और ये 74% बाकी दो मैच में 35.50 का एवरेज फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 33 का फर्स्ट इनिंग में इस ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो 39 का और ये सेकंड में 11 का। मेरे हिसाब से हमारा जो बॉलर्स था, ओपनर्स कह सकते हैं बॉलर या पावर प्ले बॉलर्स, फेलियर माना जाएगा इसको। 79 रन और 45 ओपनर बना रहा है श्रीलंका का, तो मतलब मान लीजिए हमारा पावर प्ले बॉलिंग फेलियर है, अच्छा से फेलियर है, ठीक है ना, डम्बल उठ काट के गया था सब। ओके, और उसके बाद हमारे बॉलर ने कम बैक किया इसलिए 10 विकेट भी गिरा, मगर ओपनर हमारे फेलियर रहे। तो आज के हिसाब से ओपनर्स को फिर से एक बार जज करना पड़ेगा, कौन कौन बॉलिंग और कौन कौन कब कब ओवर किया था, ठीक है ना। आगे दिखाते हैं वो चीज़, थोड़ा सा बने रहिएगा। बाकी यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो किसी एक को टीम में रखने का, दोनों के अंदर वही जज्बात धुन धड़ाका चल रहा है, बाकी एक का कम है चांस है। हो गया ना 60, 3, 47, 0, 79 फिर से हीरो यहाँ पर बनेगा, क्या जीरो बनेगा, जीरो बनेगा, एक ही ले लीजिए सही है, बल्कि हिसाब किताब से देखा जाए तब, ठीक है ना। बाकी बॉलर देख के देखते हैं दोनों को लेके चलेंगे कौन पहले कर रहा है ना। अभी के लिए एक परेरा, ये परेरा 26, 26, 30, 33, 17, 13% परेरा को टीम में रखिए, ठीक है। परेरा जब तक टीम ना था तो श्रीलंका का टीम लगे नहीं है, है ना, परेरा चाहिए एक टो। ये मेंडिस दो तो और हो भाई, 6% टीम में लिया सब मेंडिस को, 14 मैच में 253 जीरो विकेट्स। ओहो ये देखे रिसेंट फॉर्म देखा, कमाल, जो बाय धर के जो चल बाय धर के चल, श्रीलंका लंका भैया जीरो में पूरा लंका जला के आ गया बेचारा, ठीक है ना। है 25 का एवरेज है और बाकी हेड टू हेड 21 का है, 12% टीम में लिया सर, फर्स्ट इनिंग में 14 है तो सेकेंड इनिंग में 29 है, 6 मैच सेकेंड इनिंग खेल चुका बंदा, बाकी ग्राउंड पे वही सेकेंड इनिंग में जीरो क्या शून्य श्रीलंका। उसके बाद विनांडू हंस रंगा, ये तो ठीक है, एक आधा ले ही लाए, एक जुगाड़ पानी ठीक ठाक है, सेटलमेंट अच्छा है, 10 में 14 विकेट लगभग ठीक है, 77 रन लगभग ठीक ठाक है, 82% टीम में लिया है सब, ले लो भैया छोड़ रहेगा नहीं, एक आधा दो विकेट मगर हाँ सही बंदा ही है ना, बैटिंग भी कर पाता बॉलिंग भी कर पाता। बाकी श्रीलंका का कहानी में आता है हल्का सा ट्विस्ट हमको लगता है, ठीक है ना, हल्का सा ट्विस्ट ये है कि ये ट्रंप कार्ड प्लेयर निकल के आ रहा है, ये हमारा मतलब डाटा नहीं कर रहा, हमारा दिमाग और दिल कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा कह सकते हैं, ठीक है, डाटा में तो पूरा आटा गीला है, कुछ कह ही नहीं सकते। हमारे हिसाब से एक तो अलग रूल बना के श्रीलंका को टीम में रखे चाहे, ठीक है, रखना हो तो रख सकते हैं मेरे हिसाब से, बाकी मैं अपनी टीम में श्रीलंका को रखने वाला हूँ। बाकी दसुन सनाका तो वही हलवा रहेगा, बताया नहीं था कि ये क्या सिस्टम हुआ, गड़बड़ बात, 6 मैच में 57 है, 1 विकेट, क्या यार क्या दे रहे हो यार, 17% टीम में लिया भी है सर, हालांकि डाटा उठा लगभग में ठीक ठाक है, लगभग बोलेंगे अब 9 मैच में 9 विकेट, 12 में 5 विकेट, क्या यार टाटा टाटा। इसके बाद यहाँ पर थिक्साना, थिक्साना ऑफ ब्रेक है, ये जीरो पे गया, हालांकि इसको लेने का मैं कल बोला था, ये जीरो पे गया, बड़ा अफसोस हुआ हमको, एक मैच में 11 के इकोनॉमी से कुटाई भी हुआ, ठीक ठाक हुआ, 5 में 2 विकेट, थिक्साना 12% टीम में लिया सर, इस बार क्या किया जाए, इस बार छोड़ा जाए, बताइए आप बताइए, कहानी में ट्विस्ट ले आइए, है ना, ले आइए कहानी में ट्विस्ट, कमेंट बॉक्स खोल के साले को बरसा दीजिए पूरा कमेंट है, कमेंट लेना है कि नहीं लेना है, मजा आ जाएगा भाई अगर सबका कमेंट आ गया एक साथ, मैं सब क्या बताएं, सुस्त्याय रहता है सब, करते नहीं करता है ना, प्रॉब्लम इस बात का है, अरे बल्क मात्रा में कुछ होगा तब तो बल्क मात्रा में काम होगा, है हो गया कर दिए, बताइए जरूर क्या करना थिक्साना के लिए। बाकी मेरे हिसाब से अब इस बार फिर से ले लेकर रिस्क उसके यार, थिक्साना फाइनैंडो, ये साला फाइनैंडो वगैरह जो है ना, भले 12, 12.5 रन इकोनॉमी से कुटाया पिटाया है, ठीक है ना, इस महीने पर 12 के इकोनॉमी से कुटाया पिटाया, फिर भी एक विकेट फाइनैंडो ले ही लिया, 10% लोग टीम में लिया है का, है ना, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 4 में 3 फाइनैंडो, अभी फाइनैंडो मधुशंका ही ठीक है, मिला जुला के एक भी देखे 15 के इकोनॉमी से कल कूटा है सब, मारा गया नहीं, लास्ट में विकेट जब बचे तो कोई भी कूटेगा, 13% टीम में लिया सब, 4 में 7 है, 1 में 2 है, 1 में 1 है, लगभग रिकॉर्ड उकॉर्ड ठीक ठाक है, हेड टू हेड भी देखे तो 5 में 9 है, ले लाए क्या भले 15 से कूटा रहा है मैं ले लें, ठीक है ना। एक बार फाइनैंडो, अभी फर्नांडो का भी छोड़ते हैं, ये देखिए पथरा नहीं, ये ऑलराउंडर है भाई साहब, जब खतरनाक 4 विकेट निकाला, बैप फाड़ 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 1 में
चार दस का इकोनॉमी से मारा था, ये भी ठीक है बल्ले है ना, अच्छा है। मतलब स्टार बॉलर का देखा जाए तो वेबसाइट से यही है, बाकी सब तो पीछे पीछे क्या बोलते हैं उसको, अरे उसका लाइन लगा के चलना बस है, लाइन अपना शुरू यही करता है बंदा। श्रीलंका का बेंच प्लेयर है अभिशंका, फर्नांडो वगैरह ये सब है ना, दिनेश चंदीमल आता है तो लेके चलने के लायक है ये सब, कहे कि बहुत तेज खेलता है सब, ठीक है। उसके बाद ये भाई देखिए स्टार्टिंग डेथ ओवर, अब यही मैं बता रहा था है कि नहीं, ये बता रहा था मैं। अभी तो हम श्रीलंका का देख रहे हैं, बाकी इंडिया का देखेंगे तब मजा ज़्यादा आएगा। दिलशान मधुशंका एक और छः करेगा, ठीक है, ए तुम लाल हो जाओ। उसके बाद फर्नांडो जो है ना दो और चार करेंगे, और ये मतेश तिक्षाना है ना तीन और पाँच करेंगे, समझ में आ रहा ना है, एक दो तीन, मतलब तीनों बॉलर एक एक बार कर लिया। उसके बाद फिर आता है चार पाँच फिर छः, क्या बात है भाई, क्या लाइन से बॉलिंग करवा रहा है सब। बार श्रीलंकन दिमाग तो और है, डेथ ओवर फर्नांडो श्रीलंका 15वां, और यह फर्नांडो यहाँ 16 20वां, और यह मथेश पथराना 17वां 19वां, उसके बाद ये महेश तिक्षाना 18वां, ठीक है। ये स्टार्ट, ये क्या है डेथ ओवर, और ये पावर प्ले, अब हो गया कन्फ्यूजन खत्म, ले ला स्क्रीन शॉट एक, ठीक है। चले आगे चलते हैं, ये देखिए अब ये प्लेयर बैटल है, मतलब कौन किसको आउट कर पाता है। अर्षदीप और ये पटेल भैया एक एक दो बार आउट किया है सब यही लोग, मगर 26 बॉल 22 बॉल पे, बाकी परेरा है यहाँ पर देख सकते हैं, पटेल साहब 6 बॉल 9 रन एक बार आउट कर दिए। कौशल को यहाँ पर कौन कितना बार में आउट किया सब लिखा हुआ है, एक स्क्रीन शॉट रख सकते हैं आप, हो गया स्क्रीन शॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड मेरे को खींचना पड़ेगा, ट्रेन थोड़ा सा अपनी लेट हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर 10 रुपये में कायदा है, सैकड़ा हज़ार 2000 को लेके आपको मिल रहा है, क्या कमाल का है ना। और देखिए यहाँ पर मज़ेदार सबसे अच्छा चीज़ अगर मेरे को लगता है स्पोर्ट्स बाजी में, एक तो कंपटीशन कम है ना, प्लस में जो भी टीम हम बनाते हैं ना 5 मैचों का डाटा आपको वहीं ऑन स्पॉट मतलब खिलाड़ी पर दिखाता है, जैसे 5 मैच में 50 20 30 40 रन ऐसे मारा होगा ना, तो यहाँ पर सामने दिखाएगा, यहाँ पर ये खिलाड़ी दिखाएगा, लेने में कितना आसान है सोचिए, डाटा माटा उतना देखने की जरूरत नहीं, पता उठाओ देखो और ले लो, पहली बात। दूसरी बात ये फायदा है कि देखिए श्रीलंका विल बी मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा 3-7 का चल रहा, लगा लो हाँ या ना में है ना, इसमें फायदा है। टॉस विनिंग टीम ओपेटेड टू बॉल, बॉल लेगा या बैट लेगा, इसमें फायदा है। अरे जो मन तोन में फायदा फायदा है, सवाल का सिर्फ जवाब दे के निकालना है फायदा है भाई साहब। कोई यहाँ कैप्टन नहीं चला, अरे भाई नहीं चला यार, अरे हमारा वाइस कैप्टन नहीं चला भाई, अरे हमारा सूर्या नहीं चला, ये सब करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब बताइए कितना फायदेमंद चीज़ है, बस कुछ नहीं करना, क्लिक करना यहाँ पर, स्वाइप करना, जितना पैसा लगाना लगा करके टाटा फेस। उसके बाद अगर मान नहीं लगता आपको कि नहीं हम आ रहे हैं यार, मेरा सवाल जवाब जो भी है गलत जा रहा है, एग्जिट का ऑप्शन होता है, एग्जिट करके पैसा आप निकाल लीजिए, जो भी पैसा आपका है, क्या चीज़ है यार, एकदम कमाल का है भाई साहब, है कि नहीं। इन्वेस्टिगेट टीम बैटिंग फर्स्ट 7 और मोर रन फर्स्ट ओवर में, यस देख रहे हैं यहाँ पर 26,808 रुपये 17,872 रुपये अपने को आ जाएगा प्रॉफिट, एक बार में काम खत्म, हिसाब किताब हो गया। 17,000 रुपये मेरे हिसाब से अगर 2-3 लोग घर में खाने वाला हो तो आराम से 20 दिन 25 दिन तो चली जाता है कि नहीं, आराम से चल जाएगा। अपने मतलब सिस्टम से बता रहा हूँ, बाकी आपका कितना खाए वो समझेंगे आप लोग। तो ये देखिए एक दिन में 20-25 दिन का काम हो जाएगा, एक सवाल ओनली फॉर, ये सब चीज़ें हैं भाई साहब, स्पोर्ट्स बाजी के सिवा और कहीं जल्दी है नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, बाकी 5,000 का फ्री में जो मिल रहा रोज का वो तो अलग है, कितना बताएं हैं, जाके सब देख लीजिए अपने, डाउनलोड करके दे दिया हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। डाउनलोड कीजिए, वेरीफाई कीजिए, कुछ 50 रुपये डालिए, फ्लैट क्या था उसका करोड़ ऊपर था, उस करोड़ डाल करके डालिए, मिल जाएगा रिलीफ आपको 10% का, और उसके बाद फ्लैट 10 था 10% रिलीफ मिल भी जाएगा, उसके बाद ये सब चीज़ लगा लीजिए फ्री में, बिल्कुल कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। उसके बाद देखिए पॉसिबल लाइनअप, ये इंडिया का आप देख पा रहे हैं, चलिए इन लोगों के बारे में बात करते हैं। इसमें देखिए शुभमन गिल जो कि हमारा दोनों प्लेयर अगर देखा जाता है ओपनर, उन लोगों को ओपनर से अच्छा काम नहीं किया सब, वो लोग 77 को मारा है तो 45 या कुछ करके कुशल मंडी से सब मारा है, ये लोग देखिए यहाँ पर 34 है तो 48 में सब लटक दिया है सब, ठीक है। भले हमारी टीम मिलकर जीता है मगर इन लोग दोनों अगर देखा जाए ओपनर तो उतना काम नहीं कर पाए, 30 32 34 बाकी का। अब ये एवरेज देखा जाए परफॉर्मेंस तो अच्छा खासा दोनों का है, दहाई के आंकड़ा दोनों छू रहे हैं लगभग में देखा जाए तो, ताकि 79 और 90% लोग टीम में लिया है सब। टीम अगर देखा जाए तो पिच जो है थोड़ा सा बैटिंग लायक है, अब वो नहीं खेलेगा तो क्या कर सकता आदमी, जब स्थिति थोड़े एक बार आउट हो जाएगा चौथा बार फिर से लाके ले रहे, नहीं तो बैटिंग ही कर ले, बैटिंग कैसे थोड़े करेगा कोई है ना, मतलब बैटिंग के लिए लायक है पिच में। तो मेरे हिसाब से आज के मैच में भी दोनों लगभग में वही 30-40 के करीब में दोनों जाने वाले हैं, ठीक ना। बाकी जो एक और टीम बनाएंगे उसमें एक एक रहेगा, ठीक ना।
ऐसा करके मल्टीपल मतलब तीन टीम करीब में बन के अपना जाने वाला आज के दिन। ओके तैयार रहिएगा। उसके बाद ये है पंत, पंत में 30 का एवरेज यहाँ पर हो चुका है इनके पास, 4 मैच में 90, 49, 0, 4, 15, 36, 87% पंत को लिया है सब। देखिए कुशल को लेंगे तो एक छोड़ देना, फिर से वही बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, नहीं लेंगे हम, हो गया पंत हो, बाकी ठीक है कोई बात नहीं। सूर्या, सूर्या की बात करते हैं, 58 पहली बार बताया भी था कि 58 है, 58 फिर से हुआ भी सही, अच्छा है, 65 का एवरेज है, मतलब अच्छा खेल पाना ये सूर्या के अंदर में भाई, 91% टीम में लिया है। सूर्या ना हो तो फिर T20 का मजे नहीं है रे बाबा, वो बात अलग है कि सब ठुठुआ का कोई भी खेल ले, मगर जो T20 का वाकई में मारपीट करने वाला आदमी हो सूर्या, जैसे जीएल का अगर मान लीजिए आपको रिस्की टीम बताने वाला है तो कोई है एक क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी बस, और कोई सा बकायती झाड़ू है ना, सब्सक्राइबर बेस पैदा करो, अपने फर्क नहीं पड़ता उससे, टीम देंगे रिस्क, हार जीत बात की बात, ठीक है, जितना है तो उसी से, बाकी कोई सोच ले कि हम सेफ टीम से अब जीत जाएंगे 1 करोड़ घंटा नहीं मिलने वाला, कुछ ऐसे बचते रह जाएगा जिंदगी भर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, बस अगर बचना जिंदगी भर नहीं है, एक ही बार बच के खत्म होना है तो आ जा, नीचे लिंक है ना, हैं जाकर डाउनलोड कर लियो, ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लियो, सच्चाई है करवाए करवा तो चलेगा, मगर सच बोलने मेरा आदत है भैया शुरू से, अब बोलबे करेंगे है ना, बाकी इन दोनों के बारे में तो हो ही गया। चलिए आगे निकलते हैं, यहाँ पर हार्दिक पांड्या, क्योंकि बहुत सारे लोग लिया था, हम भी लिया था, कल को 0 विकेट दिया, लो हो गया ना, तो ये रिस्की टीम का मतलब होना चाहिए ना, रिस्क लिया होगा कोई ना इसको छोड़ के ना, हम बोले नहीं लिए, कोई तो लिया होगा इतना अच्छा फॉर्म में चलते हुआ खिलाड़ी को, तो ये जिया ले जाना, रिस्क लेना पड़ता है। 13 में 11 राइट आर्म फास्ट मीडियम, 73% फिर भी सब लिया है, और ये मैं सेकेंड इनिंग में रख लूँगा भाई साहब, जब इसकी बॉलिंग होगी तो फर्स्ट इनिंग अभी छोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है ना। रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह 79 नबाद, बाकी 1-11 यहाँ मौका नहीं, 1 नबाद अभी, 48 नबाद है, 4% टीम में लिया है, रिंकू को मौका जरूर मिला, मैं रिंकू बन गया टिंकू जिया, क्या टिंकू जिया, अभी रिंकू को भी छोड़ा भाई, हार्दिक को रखने का भी, ठीक है ना। उसके बाद रिंकू को बात आता है रियान पराग, रियान ही मतलब जो है ना मौका संभाल दिया भाई साहब, ये 7 में 3 विकेट लेके चला गया लेग ब्रेक होकर के, हैं अच्छा काम किया भाई, 28% टीम में लिया है सब, बहुत कम लिया सब, ठीक है, और बहुत अच्छा एक काम किया भाई, 1 में 3 विकेट लिया तो मतलब बंदा ठीक ठाक है, मिला के आज भी 1-2 विकेट सेट है अगर बॉलिंग मिलता है तब, इसलिए रियान पराग को टीम में रखने का। अक्षर पटेल 10 नबाद पे 2 विकेट है, पटेल साहब का पिछले ही बार से बता रहा था, इसको आउट किया, उसको आउट किया, इसको आउट किया, तो पटेल का थोड़ा सा दम है इसमें है ना, 77 है, बाकी 2 में 2 है, 3 में 2 है, 3 में 3 विकेट है, 1 में 2 विकेट है, अच्छा ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तब है ना, 5 में 5, 49 में 44, पटेल साहब को आज मेरे हिसाब से नहीं रखना चाहिए, ठीक है, सही है सब कुछ है, मैं आज मेरे हिसाब से पटेल साहब को रिस्क लेना चाहिए, ये सब दम देखे निकल के आता है यहाँ से भाई, ऐसे नहीं हम बोल सकते कि नहीं ले लो, कहे कि हमको पता है पटेल अगर मान लीजिए होगा तो 1-2 विकेट ले भी लेगा, तो कल आप ही लोग बोलेंगे क्या यार बताया था कि नहीं लिया विकेट, हम इसलिए बता रहे हैं कि ये देखिए हमारा ये दिखा होता है 77% लोग लिया है सब, ठीक ना, नहीं लिया कल को तो बहुत अलग शानदार टीम निकल के आने वाली है, ठीक ना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, बाकी कोई इशू नहीं है इसके पीछे, ये तो बोलने के लिए क्या है, हम भी बोल देंगे यार, है कि नहीं, जिसको हम बोले नहीं लेना कल को नहीं, अगर चल गए 1-2 विकेट ले लिया तो वही लोग गाली देगा या बोलेगा या अनसब्सक्राइब करके भागेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना, जाने वाले जाए आने वाले आए, मगर जो तरीका है उसी से काम होगा, वही हिसाब किताब देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही तरीका है जीएल जीतने का, हमारा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, ऐसे बनाइए मीठा मीठी टीम, कहाँ होने वाला कुछ नहीं हो जाए उससे। रवि बिश्नोई, बिश्नोई 30 में 43, 2 में 2, 1 में 1, बिश्नोई का भी टाइट है, फिशिंग हो चुका है, 30% लिया है सब टीम में, बाकी 1-0-0-0-2, हर्षदीप सिंह 2 विकेट 2 विकेट 0-3-2, हर्षदीप तो लगभग ठीक है ठाक है, मिला जुला के 1-2 में 8, 8.5 का 91% टीम में लिया था, फिर से लेने का, बाकी बिश्नोई को इस बार टीम में रखने का है ना, वो जो है ना क्या बोलते हैं अक्षर का जगह बिश्नोई, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद सिराज, सब कैप्टन बनाने का चक्कर लगाया था पिछले मैच में सब याद है, मैं बेचारा अभी 1 ही विकेट लिया है, अभी खाता कम से कम यहाँ से यहाँ खुला आकर के, खैर कोई बात नहीं खुला तो सही, 32% टीम में लिया भी है सब, फिर से सिराज को टीम में लेके चलने का, सिराज का यहाँ पर अच्छा एक डाटा मिलता है और रिकॉर्ड मिलता है इस जगह पे, इसलिए सिराज को नहीं छोड़ना, बेंच पे दे रहा है संजू अंजू वाशिंगटन है शिवम है, ये सब बेंच में खड़े खड़े लोग है ना, अब इसमें से कौन है, वाशिंगटन है तो लेके चल सकते हैं, संजू भी लेके चल सकते हैं, अगर बैटिंग लाइनअप आगे रहा था वो चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेंगे टेलीग्राम पे, किसको कब बैटिंग मिलता है। ओके अर्षदीप पहला कर देंगे, मोहम्मद सिराज दूसरा और चौथा करेंगे, अक्षर पटेल 3 और 6 करेंगे, उसके बाद कार है कैसे इसमें कैसे घुसा दिया लगा के, ये कौन मतलब है यार, रवि बिश्नोई, अरे क्या यार
पावर प्ले चल रहा है, घंटा प्ले चल रहा है साला। जहाँ पेसर फेंकता छह ओवर, यहाँ स्पिनर तीन तीन में दो घुसा दिया यार, और तीन ओवर इन लोग का फेंकवाया जा रहा है। अरे भाई हद हो गया यार, भरसक नहीं मार रहा है सब है। ओपनर्स मतलब 79 मार रहा है, एगो 55 मार रहा है, क्या मतलब है, कुटवा रहा है सब जान उसका दे करके रन फंस रहा है, क्या मतलब। कहीं हम सुने आज तक ले ये पावर प्ले में स्पिनर आके बॉलिंग कर रहा, कभी कभार हो गया हो गई। चलिए खैर ठीक है, अक्षर पटेल 15 हुआ, फिर रवि कृष्ण 16 हुआ, रियान पराग 17 हुआ, अर्षदीप सिंह 18 और 20, और यहाँ पर मोहम्मद सिराज 19 हुआ। ठीक है क्या यार, हार्दिक पांड्या से करवाना चाहिए यहाँ पर। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले ले लीजिए। भरसक कुटा रहा सर, फिर से पीटेगा सर, फिर से पीटेगा। वो पथुम निशंका और कुशल मेंडिस दोनों को एक टीम में रखिएगा, ठीक है। और इसमें से अक्षर पटेल को तो हटाइए दिए हैं, और यहाँ पर एक तो मोहम्मद सिराज को भी हटाना पड़ेगा। दो ओवर फेंकेगा ना, दो ओवर जो फेंकेगा सब हटाओ, कुटाएगा सब लोग, इसीलिए हटाओ। देखो यहाँ पर प्लेयर बैटल मतलब एक टीम में वैसा करने का, सब टीम में नहीं करने का। बैटल में यही मधुशंका पदुशंका किसको किसको आउट किया, ये सब देख सकते हैं आपके सामने है, इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं आप। जब आप टीम क्रिएट करेंगे तो यहाँ देख करके एक अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, यानी तो फिर से वीडियो देख सकते हैं। वीडियो क्या देखेगा, मेहनत है वीडियो देखने में, दोबारा है कि नहीं, आग दुखा लगता है। इसलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब लीजिए ये है टेलीग्राम, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। हंसते खिलाते जीएल जिता दूंगा, टेंशन लेके काम कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेंशन मत लिया कीजिए, जब काम यार सुई से हो जाए तलवार निकाली जो मेरे हिसाब से नहीं है। वो झंडू बम लोग होता है जो सला सुई की जगह तलवार लगाएगा, लो सिलो इससे, अरे सिलाएगा कभी है। अब देखिए जीएल ट्रंप असलंग का जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, उसके बाद कुशल परेरा सनाका, ये तो मतलब ठीक है, इसका 50-50 मान लीजिए, इन लोग का 90-90 है ना। रियान परागे तो है ही है ना, ये जीएल ट्रंप कार्ड है। उसके बाद यहाँ पर सेफ सीबीसी में हार्दिक पांड्या सूर्या, उसके यशस्वी और पथुम निशंका, सेफ सीबीसी, ये आपके लिए टीम है। इसका एक स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिएगा, जब तक हम मतलब अवेलेबल नहीं हो जाते टॉस के बाद तब तक ये काम करेगा। जैसे ही हम टॉस के बाद अवेलेबल हुए, नई टीम आएगी, क्या नई टीम आएगी स्पेशल वाली, ओके। कब आएगी, जब टॉस देख करके भाई कौन बैटिंग कौन बॉलिंग करा, उस हिसाब से टीम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, अभी से ही कर ले। हाँ एक मोटा मोटी अंदाजा डाटा के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि हाँ भाई डाटा मिल जाएगा, टीम तो स्पेशल उसी समय तैयार होगी, ठीक है। वही तैयार होगी जो टीम टेलीग्राम पर दूंगा, लिंक कहाँ है उसका डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, सब कुछ फ्री है, जाइए डाउनलोड कीजिए और चिपके रहिए, ठीक है, ओके। चलिए ले आपसे इजाज़त लेता हूँ, आपसे इजाज़त, तब तक यार अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा, और जो लोग लाइक भी नहीं किया कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो फिर से यही वाला जाना चाहिए आपके पास, तब जाकर मज़ा आएगा, यूनिक वीडियो होता है ये, हमारा यूट्यूब में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए मिलूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है, अपडेट आते हैं टॉस का। बाय बाय।